दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। मुख्तार अंसारी को डॉन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन वो एक अपने इलाके के बहुत बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका पूरा बनारस इलाके में या फिर कहें पूर्वांचल एरिए में काफी दबदबा है। सियासत भी होती है उनके नाम पर, उनके वोट के आधार पर हार जीत भी तय होती है। वो दूसरों को हरवा भी सकते हैं, जितवा भी सकते हैं, इतनी तो उनमें कुव्वत है ही। और मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। बांदा मेडिकल हॉस्पिटल में उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, ऐसा मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया है। हालांकि दो दिन पहले ही अभी उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, उनको बैरक में ही, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पे हैं, तो उनको बैरक में ही हार्ट अटैक की शिकायत हुई। और हार्ट अटैक का दौरा पड़ने के बाद, दिल का दौरा पड़ने के बाद, उनका जो है मेडिकल टीम जो है उनका इलाज करने लगी। 26 तारीख को ही ये खबर आ चुकी थी कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बहुत नासाज बनी हुई है। और इस मामले में यह भी कहा गया उनके परिवार की तरफ से कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है, और यह जहर देने वाला जो इल्जाम लगाया गया है बहुत ही बड़ा आरोप है। हालांकि अब भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है अस्पताल की तरफ से, उसमें दिल का दौरा होना ही उनकी मौत की वजह बताई गई है। इसलिए अब भी हम फाइनल रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि इस मामले में बहुत सियासत वाली चीज है, क्योंकि 8:30 बजे के करीब में ही जो है अस्पताल लाया गया और 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और यह बहुत अफसोस की बात है, खासतौर से उस इलाके के लिए जहां से वो ताल्लुक रखते हैं। पूर्वांचल के एरिया में काफी उनका दबदबा है और एक जाने माने जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जाने जाते हैं। और सियासत में जो भी उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक अलग मायने रखता है, लेकिन जमीनी धरातल पर अगर आप उतर करके जाएंगे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के इलाके में, तो उनकी काफी इज्जत है। दबदबा तो है, भले ही चाहे डर किसी भी रूप में हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी काफी इज्जत है। उनके बड़े भाई, जो सबसे बड़े भाई हैं, वो सबगतुल्ला अंसारी, ये लोग खानदानी लोग माने जाते हैं वहां के, अंसारी फैमिली, गाजीपुर जिले से इनका ताल्लुक है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है, और ये गाजीपुर जिला जो है शहीदों की धरती कही जाती है, वीरों की धरती कही जाती है, क्योंकि यहाँ परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जो है शहीद हुए थे। ये भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है वो शहीद हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के कई टैंकर उड़ाए थे। ये उस जिला है, वही जिला है, और इसका नाम है गाजीपुर। और गाजीपुर में मोहम्मदाबाद एक जगह है, फाटक के नाम से मशहूर है। मोहम्मदाबाद में ही जो है इनका पैतृक आवास है, वहीं इनका पूरा परिवार रहता है। मुख्तार अंसारी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, इनके नाना, मुख्तार अंसारी के जो नाना थे, वो ब्रिगेडियर उस्मान थे। ये वही ब्रिगेडियर उस्मान हैं जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, और ये शहीद हो गए थे। तो मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि शहीदों का खानदान है। बेटे बहू हैं, उमर है, अब्बास है बेटा, बेटा अब्बास जो है विधायक है, और वो भी SBSP यानी सुभाषपा, जिसको कहते हैं सुहेल देव समाज पार्टी से की टिकट से जो है वो पिछले बार जीते थे, बाकायदा विधायक हैं। ये वही सुभाषपा है जिसको पीला गमछा वाला कहा जाता है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये उन्हीं की पार्टी से जो है विधायक हैं ये। और इनके एक बड़े भाई हैं सबगतुल्ला अंसारी, वो भी अपने इलाके में जनप्रतिनिधित्व कर चुके हैं क्षेत्र का। इनके अफजाल अंसारी जो इनके एक और भाई हैं, वो मुख्तार अंसारी से बड़े माने जाते हैं, और वो फिलहाल मौजूदा समय में जो है वो गाजीपुर के सांसद हैं। उन्होंने जो है पूर्व रेल राज्य मंत्री को उन्होंने हराया था, और मनोज सिन्हा को जो है उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और वही मनोज सिन्हा इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। और इनके देहांत के बाद, इनके इंतकाल के बाद, अब सियासत भी बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि जब आप सुबह का सूरज देखेंगे तो बहस मुबहसे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी से ही जो है बहसबाजी शुरू हो जाएगी, राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पर्सन थे। मऊ सदर से जो है वो कई बार विधायक भी रहे, वो भी बकायदा जेल में रहते हुए, और जेल में रहते हुए उन्होंने अपने दम पर चुनाव जीता है अपने नाम के बल पर। उनके बेटे अब्बास अंसारी के बारे में मैंने बताया कि वो विधायक हैं, और उनके पूरे परिवार पर ही कई तरह के केसेस हैं, बहुत तरह के मामलों में वो दोषी ही पाए गए हैं। बांदा जेल में जो है वो अभी तक वो रह रहे थे, और बांदा जेल के ही बैरक में जो है उनको हार्ट अटैक आया था, और जिसके बाद जो है अब वो नहीं रहे। और ये बेहद अफसोस की बात है कि एक जनप्रतिनिधि की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, और उसका परिवार ये इल्ज़ाम लगा रहा है अभी भी कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा था, उनकी हत्या की कोशिश की गई है, उनकी हत्या की जा रही थी। लेकिन अब तो चूंकि उनकी मौत हो चुकी है, तो इस मामले में काफ़ी तूल दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव सिर पर है, और गाजीपुर, मऊ
बनारस वाले पूरे इलाके में बलिया क्षेत्र में जहां जहां उनका प्रभाव है वहां जमकर सियासत होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नाम की सियासत होगी। सांसद उनके बड़े भाई सांसद हैं अफजाल अंसारी अभी भी, और उन्होंने भी अपने भाई के लिए जो है काफ़ी आरोप लगाए थे कि उनको जो है जहर दिया जा रहा है। हालांकि अब तो चूंकि ये कन्फर्म हो चुका है कि उनका डेथ हो गया है, लेकिन मऊ, गाजीपुर और बांदा इन तीनों जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ किसी भी तरह का जो है कोई भी शोर शराबा ना हो, इस मामले को लेकर के कानून व्यवस्था बनी रहे। उनके समर्थक भी जो हैं वो जो है काफ़ी दुखी हैं इन चीज़ों को लेकर के, परिवार और घर के आसपास लोग आना जाना उनका लगा रहा है। शाम से ही जब से उनकी खबर सुनने में आया था कि वो अस्पताल में भर्ती हैं 26 तारीख से, उसके बाद से ही उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा, उनके परिवार में आना जाना का लगा रहा, लेकिन चूंकि तो जेल में थे अस्पताल में थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। इनके पॉलिटिकल करियर की अगर बात की जाए तो मैं जो है 2017 में उत्तर प्रदेश में गया और वहाँ इलेक्शन कवर करने में गया। उस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अलायंस बना करके वो लोग चल रहे थे, यूपी के बेटे करके बाकायदा वोटिंग वगैरह चल रहे थे, खूब प्रचार भी हो रहा था। तो उस दौरान जब मैंने पूर्वांचल का दौरा किया तो पूर्वांचल के एरिया में खासतौर से मऊ, बलिया, गाजीपुर में मैंने उनका बहुत प्रभाव देखा, और ख़ासतौर से जो जहाँ से वो विधायक चुने गए थे उस वक्त जहाँ से वो लड़ रहे थे वहाँ मैंने कई इलाकों का भी दौरा किया, और मऊ ज़िले में जब हमने वहाँ देखा तो उनका खासा प्रभाव माना जाता है। मऊ ज़िले में हिंदुओं के इलाके में भी गए, हिंदू मेजोरिटी एरिया में भी, और मुसलमानों के मेजोरिटी में गए। मुसलमानों में थोड़ी मुख्तार अंसारी को लेकर फुटमत भी थी, लेकिन जो नॉन मुस्लिम एरिया थे उनके सपोर्टर भी वहाँ बहुत ज़्यादा थे और वो खुल्लम खुल्ला बोल भी रहे थे कि वो सपोर्टर्स हैं। तो कई बार तो एज रिपोर्टर हम लोगों को भी खुद यकीन नहीं हुआ कि भाई जिनके बारे में इतनी बातें कही जाती हैं कि वो कम्युनल हैं, ये हैं, वो हैं, इनके वजह से दंगे हुए, फसाद हुए, और उनके सपोर्टर्स जो है अगर हिंदू मिल जाएँ तो थोड़ी सी हैरानी होती है। लेकिन खैर वहाँ के लोगों ने क्लियर किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मीडिया और पॉलिटिक्स में उनको हर तरह से बदनाम किया गया, ऐसा पब्लिक का परसेप्शन था, पब्लिक की बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनको लेकर के बहुत सी चीज़ें जो है कहा जाता है कि वो गरीबों के मसीहा भी थे, खासतौर से जो दलित पिछड़े और उस एरिया में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे अनुदान का मामला हो। सुना है कि जेल में रह करके भी वो एज विधायक लोगों की मदद किया करते थे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि थे, तो इसलिए उनका काफ़ी चर्चा हुआ करता था उस पूरे एरिया में। लेकिन सियासत जो ना करवा दे, और 26 तारीख से ही ये परेशान थे और बैरक में ही दिल का दौरा पड़ा, तो मैंने ये सोचा कि ये खबर मैं आपको दे दूं, क्योंकि एक बड़ी खबर है। 8:25 पर जो है उनको अस्पताल लाया गया और 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका जो है इलाज किया और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। खैर हम यही कहेंगे कि जो है जो भी लोग हैं इस खबर को देख रहे हैं एहतियात रखें और इन सब मामलों में ज़्यादा जज्बाती बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल जो होगी सो होगी, लेकिन मेडिकल बुलेटिन में दिल का दौरा पड़ना ही जो है मौत का मेन कारण बताया गया। फिलहाल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ की चैनल जय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।